नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्षितिज भाग टू क्लास टेन का पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। यह लिखित रूप में है, इससे पहले भी मैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद बना चुकी हूँ और मौखिक रूप में ही था, तो इसलिए मैं आप लोगों को यह पढ़ाने जा रही हूँ ताकि लिखित रूप में रहेगा तो अच्छी तरह से आप क्वेश्चन आंसर को याद कर सकते हैं। और इससे पहले मैं क्लास नाइन क्लास टेन का लगभग सारा वीडियो बना चुकी हूँ। कृतिका क्षितिज स्पर्श संचयन का सारा पाठ बन चुका है, उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। तो पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, अथवा सीता स्वयंवर के अवसर पर लक्ष्मण ने क्रोधित परशुराम को धनुष के टूट जाने के कौन कौन से कारण बताए। तो इसका उत्तर है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने निम्नलिखित तर्क दिए। पहला तर्क यह दिए कि बचपन में हमसे कितने ही धनुष टूटे, परंतु आपने उन पर कभी क्रोध नहीं किया, इस विशेष धनुष पर आपकी क्या ममता है। लक्ष्मण उनको कह रहे हैं परशुराम को कि बचपन में हमने तो बहुत सारे धनुष को तोड़े, परंतु आपने उन पर कभी क्रोध नहीं किया, इस विशेष धनुष पर आपकी क्या ममता है। दूसरा, हमारी नजर में तो सब धनुष एक समान होते हैं, फिर इस धनुष पर इतना हो हल्ला क्यों। तीसरा, इस पुराने धनुष को तोड़ने में हमें क्या मिलना था। चौथा, राम ने तो इस धनुष को छुआ ही नहीं था, यह अपने आप टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। प्रश्न नंबर दो है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए, अथवा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में राम और लक्ष्मण के चरित्र में मुख्य अंतर क्या है। तो इसका उत्तर है, राम स्वभाव से ही कोमल और विनयी हैं, विनम्र स्वभाव के हैं, उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर की भावना है, वे गुरुजनों के सामने झुकना अपना धर्म समझते हैं, वे महाक्रोधी परशुराम के बेबात क्रुद्ध होने पर भी स्वयं को उनका दास कहते हैं, इस प्रकार वे परशुराम का दिल जीत लेते हैं। मतलब वे विनम्र स्वभाव के हैं, वे जानते हैं कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत हैं, वे बहुत उग्र और प्रचंड है, उनकी जुबान छुरी से भी अधिक तेज है, वे व्यंगवानों वचनों से परशुराम को छलनी छलनी कर देते हैं। उनकी उग्रता और कठोर वचनों को सुनकर न केवल परशुराम भड़क जा उठते हैं, बल्कि अन्य सभाजन भी उन्हें अनुचित कहने लगते हैं। वास्तव में राम छाया है तो लक्ष्मण धूप है, राम शीतल जल है तो लक्ष्मण आग की तरह है, उनका स्वभाव के बारे में यहाँ कहा गया है। तीसरा प्रश्न, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो उत्तर है, लक्ष्मण डैश देकर, परशुराम जी हमने बचपन में ऐसे कितने धनुष तोड़ डाले, आपने तब तो क्रोध नहीं किया, फिर इस पर इतनी ममता क्यों। अब परशुराम बोल रहे हैं, अरे राजकुमार, लगता है तेरी मौत आई है, तभी तो तू संभल कर बोल नहीं पा रहा, तू सिर्फ धनुष को आम धनुष के समान समझ रहा है। लक्ष्मण बोलते हैं, हमने तो यही जाना था कि धनुष धनुष एक समान होते हैं, फिर राम ने तो इस पुराने धनुष को छुआ भी नहीं था, यह दो टुकड़े हो गया, इसमें राम का क्या दोष है। परशुराम बोलते हैं, अरे मूर्ख बालक, लगता है तू मेरे उग्र स्वभाव को नहीं जानता, मैं तुम्हें बच्चा समझ कर छोड़ रहा हूँ, तू क्या मुझे कोरा मुनि समझता है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैंने कई बार पृथ्वी के सारे राजाओं का संहार किया है, मैंने सहस्त्रबाहु की भी भुजाएं काट डाली थी, मेरा फरसा इतना कठोर है कि इसके डर से गर्भ के बच्चे भी गिर जाते हैं। लक्ष्मण बोलते हैं, वाह मुनि जी, आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं, आप बार बार मुझे कुठार दिखाकर डराना चाहते हैं, आपका बस चले तो फूक मारकर पहाड़ को उड़ा दें, मैं भी कोई छुई मुई का फूल नहीं हूँ जो तर्जनी देख भर से मर जाऊं। छुई मुई एक तरह का फूल होता है जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो इसका संज्ञा देकर वे बोल रहे हैं, मैं तो आपको ब्राह्मण समझकर चुप रह गया, हमारे वंश में गाय ब्राह्मण देवता और भक्तों पर वीरता नहीं दिखाई जाती, फिर आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों से अधिक घातक है, मतलब कठोर है, आपने शस्त्र तो व्यर्थ ही धारण कर रखे हैं, आपका तो वचन ही शस्त्र के समान है। आगे प्रश्न है, आगे परशुराम जी कह रहे हैं, विश्वामित्र
विश्वामित्र मुनि को कह रहे हैं, यह बालक तो बहुत मूर्ख, कुल नाशक, निरंकुश और कुल कलंक है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इसे रोक लो, इसे मेरे प्रताप और प्रभाव के बारे में बताओ कि मैं कितना बड़ा प्रतापी हूँ, मेरा प्रभाव चारों तरफ फैला हुआ है, वरना अगर उसको नहीं सुनाओगे तो यह मारा जाएगा। लक्ष्मण बोलते हैं, मुनि जी आपके यश को आपके सिवा और कौन कह सकता है, आप पहले भी अपने बारे में बहुत प्रकार से कह चुके हैं, आप अपना मुंह से ही अपनी बखान करते हैं, गुणगान करते हैं, कुछ और रह गया हो तो वह भी कह लीजिए। वैसे सच्चे सूरवीर युद्ध भूमि में अपना गुणगान नहीं करते हैं, वीरता दिखाते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल वार मही देवन दिन्ही, सहस्त्र बाहु भुज छेदन हारा, परशु विलोक की महीप कुमारा, मातु पितहि जानी जाने, सोच बस करसि मही महेश किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। अथवा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम ने अपने विषय में जो कहा उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, परशुराम ने अपने बारे में कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, स्वभाव से मैं बहुत क्रोधी हूँ, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ, मैंने अनेक बार अपनी भुजाओं के बल पर धरती के सारे राजा को मार डाले हैं और यह पृथ्वी ब्राह्मणों की को दान में दे दी है, मेरा फरसा बहुत भयानक है, इसने सहस्त्र बाहु जैसे राजा को भी मार डाला था, इसे देखकर गर्भिणी स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, मतलब उनके जो पेट में बच्चे पल रहे होते हैं वह भी मर जाते हैं। आगे प्रश्न पांच नंबर है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है। अथवा राम परशुराम लक्ष्मण संवाद के आधार पर संक्षेप में लिखिए कि परशुराम की क्रोधपूर्ण बातें सुनकर लक्ष्मण ने उन्हें सूरवीर की क्या पहचान बताई है। तो इसका उत्तर है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा के बारे में बताया कि सच्चा वीर रणभूमि में वीरता दिखलाता है, अपना गुणगान नहीं करता है, सूर समर करनी करही कहीं न जना वही आप। प्रश्न नंबर सिक्स है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है, यह बात सत्य है कि साहस और शक्ति तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक कि साहसी व्यक्ति विनम्र हो। जैसे ही शक्तिशाली व्यक्ति उदंडता करता है या घमंड दिखाता है, उसके अंदर अहंकार बढ़ जाता है या वह बढ़ चढ़ कर बोलता है तो यह बुरा लगने लगता है। परशुराम और लक्ष्मण दोनों के उदाहरण सामने हैं। परशुराम पराक्रमी हैं किंतु उसका स्वयं को महापराक्रमी, बाल ब्रह्मचारी, क्षत्रिय कुल, घातक कहना बुरा लगता है। वह अपने ही मुख से अपना ही गुणगान कर रहा है। जैसे जैसे वह अपने कुठार को सुधारता है और वचन करे करता चला जाता है, वैसे वैसे वह हंसी का पात्र बनते चला जाता है। लक्ष्मण का साहस हमें भला लगता है परंतु वह भी सीमाएं तोड़ देता है। धीरे धीरे वह बहुत उग्र और कठोर उदंड हो जाता है, इस कारण सभी सभाजन उसके विरुद्ध हो जाते हैं। लक्ष्मण की उदंड शक्ति हमें खटकने लगती है। दूसरी ओर रामचंद्र साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का भी परिचय देते हैं, इसलिए वे सबका हृदय जीत लेते हैं। अब भाव स्पष्ट करने के लिए आपको आएगा तो पहला है, बिहसी लखनु बोले मृदु वाणी, अहो मनीषु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, चहत उरावन फूकी पहारो। तो इसका उत्तर है, लक्ष्मण हंसकर कोमल वाणी में बरबोले परशुराम से बोले, अहो मुनिवर आप तो माने हुए महायोद्धा निकले, आप मुझे बार बार अपना कुल्हारा इस प्रकार दिखा रहे हैं मानो फूक मारकर पहाड़ उड़ा देंगे। आशा यह है, मतलब यह है कि परशुराम का गरज गरज कर अपनी वीरता का गुणगान करना, अपना ही बराई करना व्यर्थ है, उनकी वीरता खोखली लगती है, उनमें कोई सच्चाई नहीं दिखती। ख का है, एह कुमार बतिया कोई को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाहे, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। उसका उत्तर है, लक्ष्मण ने परशुराम के वीर वेश का मजाक उड़ाते हुए कहा, मुनि जी यदि आप भी वीर योद्धा हैं तो हम भी कोई छुई मुई के फूल नहीं है जो तर्जनी देखते ही मुरझा जाएंगे, हम आपसे टक्कर लेंगे। और सच कहूं, मैंने आपके हाथ में धनुष बाण देखा तो लगा सामने कोई ढंग का योद्धा है, उससे दो दो हाथ करूं, इसलिए मैंने आपके सामने कुछ अभिमान पूर्वक बातें कही थी। मुझे पता होगा कि आप कोरे मुनि ज्ञानी हैं,
मैं तो भला आपसे क्यों भिड़ता, अगर मैं यह जानता कि आप ज्ञानी हैं तो मैं आपसे भिड़ता ही नहीं। आशा यह कि परशुराम मुनि ज्ञानी है, उनका वीर वेश ढोंग है। आगे गौ का है, गाधी सुन कह हृदय हसी, मुनि ही हरिये सूझ, अय मैं खार न उख मैं, अजहू न बूझ अबूझ। इसका उत्तर है, विश्वामित्र ने परशुराम के बरबोले वचन सुने। परशुराम ने बार बार कहा कि मैं पल भर में लक्ष्मण को मार डालूंगा। इन वचनों को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसे, सोचने लगे कि परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, वे लक्ष्मण को गन्ने की बनी खाड़ के समान समझ रहे हैं कि उसे एक ही बार में नष्ट कर डालेंगे। वे अज्ञानी यह नहीं जानते कि लक्ष्मण लोहे से बना खाड़ा है, जिससे संघर्ष मोड़ लेना आसान नहीं है। 8 नंबर का पाठ है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। तो इसका उत्तर है, तुलसी रस सिद्ध कवि हैं, उनकी काव्य भाषा रस की खान है। रामचरितमानस में उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है, इसमें चौपाई दोहा शैली को अपनाया गया है। दोनों छंद गेय हैं, तुलसी की प्रत्येक चौपाई संगीत के सुरों में ढली हुई जान पड़ती है। उन्होंने संस्कृत शब्दों को विशेष रूप से कोमल और संगीतमय बनाने का प्रयास किया है। भाषा को कोमल बनाने के लिए उन्होंने कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियों का प्रयोग किया है, जैसे तालव श की जगह स, मूर्धन्त न की जगह दंत न, अक्ष की जगह छ, य की जगह ई इत्यादि। जैसे नाथ शंभुधुन भंजन भंजनिहारा, गुरु ही उरीन होतै श्रम थोरे। इस काव्यांश में उपमा उत्प्रेक्षा रूपक पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास आदि अलंकारों का कुशलता पूर्वक प्रयोग हुआ है। कुछ उदाहरण देखिए, उपमा, लखन उत्तर आहुति सम, उत्प्रेक्षा, तुम तो काल हाँक जनुलावा, रूपक, भानु वंश राकेश कलंको, अनुप्रास, ना तो यही काटी कुठार कठोरे। इस काव्यांश में वीर तथा हास्य रस की भी सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। मुहावरों और सूक्तियों के साथ साथ वक्रोक्तियों का प्रयोग भी मनोरम बन पड़ा है। सूक्ति का एक उदाहरण देखिए, सेवक सो जो करे सेवकाई, वक्रोक्ति, अहो मुनुषु महाभट माने। इस प्रकार यह वाक्यांश काव्यांश भाषा की दृष्टि से अत्यंत मनोहर है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग का काव्य है। व्यंग के सूत्रधार है वीर एवं वाक्पटु लक्ष्मण। उनके सामने ऐसा योद्धा है जिस पर धनुष बाण नहीं चलाया जा सकता। परशुराम बूढ़े हैं, मुनि हैं, ब्राह्मण हैं, किंतु बहुत डिंगियल और बरबोले हैं। इस कारण लक्ष्मण जी उन पर बातों के तीर चलाते हैं। परशुराम जितनी पोल बनाते हैं, लक्ष्मण वह पोल खोल देते हैं। वे परशुराम की खोखली वीरता की धज्जियां उड़ा देते हैं। परशुराम शिव धनुष तोड़ने वाले का संहार करने की घोषणा करते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, हमने तो बचपन में ऐसे कितने ही धनुष तोड़ रखे हैं। परशुराम कहते हैं, शिव धनुष कोई ऐसा वैसा धनुष नहीं था। लक्ष्मण कहते हैं, हमारी नजर में सब धनुष एक से होते हैं। परशुराम स्वयं को बाल ब्रह्मचारी, क्षत्रिय, कुलद्रोही, सहस्त्रबाहु, संहारक कहते हैं। लक्ष्मण व्यंग करते हुए कहते हैं, वाह मुनि जी तो सचमुच महायोद्धा हैं। वे फूंक से ही पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं, परंतु यहाँ भी कोई छुई मुई के फूल नहीं है। परशुराम विश्वामित्र को कहते हैं कि वे लक्ष्मण को उसकी महिमा का वर्णन करें, वरना यह मारा जाएगा। तब लक्ष्मण व्यंग करते हैं, मुनि जी आपसे बढ़कर आपकी महिमा और कौन बता सकता है। आपने गुण बताते बताते आपका पेट अभी ना भरा हो तो और कह लो। फिर सच्चे वीर युद्ध क्षेत्र में वीरता दिखाते हैं, बातें नहीं करते हैं। परशुराम क्रोध में आकर विश्वामित्र को कहते हैं कि मैं अभी इसे मारकर गुरु ऋण से उन्ऋण हो जाऊंगा, मतलब मुक्त हो जाऊंगा। इस पर लक्ष्मण चोट करते हुए कहते हैं, हाँ हाँ, माता पिता का ऋण तो आप उतार चुके, अब गुरु ऋण भारी पड़ रहा है। लंबे समय से न चुका पाने के कारण ब्याज भी बढ़ गया होगा। लाओ कोई हिसाब किताब करने वाला बुलाओ, मैं अभी अपनी थैली खोल कर ऋण चुकाता हूँ। इस प्रकार यह अंश व्यंग से भरपूर है। तुलसी ने सच ही कहा है, लखन उत्तर आहुति सरसि भृगुवर कोप कृषाणु। परशुराम यदि आग हैं तो लक्ष्मण के वचन घी के तरह काम करते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। बालको बोली बधो नहीं तो ही, उत्तर, ब की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, ह की आवृत्ति है। ख के कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा,
उत्तर उपमा कोटि कुलिस के समान वचन, वज्र के समान अनुप्रास कोटि कुलिस। ग में तुम तो कालो हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, तुम मानो काल को हाक रहे हो, और बार बार इसमें पुनरुक्ति प्रकाश है। घ लखन उत्तर आहुति सरसी भृगु बर कोप कृषाणु, बरहत देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। इसमें उपमा अलंकार है, लखन उत्तर आहुति सरसी लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे, जल सम वचन मतलब वचन जल के समान थे, और रूपक भृगुवर कोप कृषाण क्रोध रूपी आग के समान थे। तो आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। अगर कोई नया वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आगे नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद।